नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद जब से शुरू हुई तब से इस पर सियासत खूब हुई है। हालांकि इस एग्जाम का समापन तो हो गया, कल ही एग्जाम खत्म हुआ है, लेकिन इस पर सियासत अभी नहीं थम रही है। बता दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक तरफ योगी सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को भी उन्होंने लपेटे में लिया है। दरअसल तेजस्वी यादव जो है ट्विटर के जरिए योगी सरकार पर तंज कसते हुए लिखते हैं, यूपी में नौकरी पाने बिहार पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों ने बताया कि मंदिर मस्जिद बुलडोजर जैसे मुद्दों से नौकरी नहीं मिलती। जब से यूपी के युवा बिहार में नौकरी के लिए आ रहे हैं, वहां के सीएम बेचैन हैं और विज्ञापन निकाल सफाई भी दे रहे हैं। योगी जी को भी हम नौकरी रोजगार के मुद्दों पर लाएंगे। योगी जी, आपने ये तो सुना ही होगा कि भूखे पेट भजन नहीं होए, गोपाला ले तेरी कंठी ले तेरी माला। तो इस तरीके से जहां एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्विटर के माध्यम से योगी सरकार पर निशाना साधा है, क्योंकि बता दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तर प्रदेश से भी कई अभ्यर्थी यहां पर एग्जाम देने के लिए आए थे, क्योंकि इस बार आयोग की तरफ से डोमिसाइल नीति हटाया गया था। उसके बाद देश में जितने भी राज्य हैं यानी दूसरे राज्य को भी मौका मिला था इस एग्जाम में बैठने के लिए। वहीं जैसे उत्तर प्रदेश से अभ्यर्थी इस एग्जाम को देने के लिए आ रहे थे, इससे यह भी साबित हो रहा था कि बिहार में जहां बेरोजगार का मुद्दा है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी बेरोजगारी की जो बात है वो उतनी ही ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ यह भी बता दें कि तो तेजस्वी यादव ने फेसबुक के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और केंद्र सरकार को लेकर फेसबुक पर उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया है। दरअसल वो लिखते हैं कि बीजेपी सरकार द्वारा देश के सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों और राष्ट्रीय संपत्ति को कथित सुधारों की आड़ में बड़े बड़े उद्योगपति को बेचना गरीबों, किसानों और देश के हितों के खिलाफ है। निजीकरण द्वारा सरकारी नौकरियों को समाप्त करना, सरकारी नौकरियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों से वंचित वर्गों के आरक्षण को खत्म करना केंद्र सरकार की एक दीर्घकालिक योजना है। मोदी सरकार ने रेलवे में लाखों नौकरियां समाप्त कर एवं आर्मी में अग्निवीर जैसी योजना लाकर करोड़ों युवाओं का अहित किया है। और वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भी उन्होंने लिखा है कि खरबों की राष्ट्रीय संपत्ति चुनिंदा निजी कंपनियों को क्यों बेच रही है। अगर मोदी सरकार राष्ट्र की संपत्ति में इजाफा नहीं कर सकती तो आजादी के बाद दशकों की मेहनत में बनाई गई ये संपत्ति जो है ऐसे बेचना कई नुकसान तो नहीं हो रहा है। और वहीं आपने देखा कि कैसे तेजस्वी यादव एक तरफ फेसबुक के जरिए यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर, योगी सरकार पर निशाना साधा है और दोनों पर ही तंज कसा है कि कैसे जहां बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा काफी ज्यादा है, तो इस बार जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है इसमें सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के भी छात्र आए थे और वहीं यूपी के भी छात्र उतने ही ज्यादा यहां पर एग्जाम देने के लिए आए थे। और इससे साफ होता है कि वहां के आए हुए छात्र यहां आकर क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।